क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में जो जेब्रा फिंच में, ये बोलो नॉर्मल जेब्रा मेरे पास तो है नहीं, नॉर्मल जेब्रा नहीं है, एक्जॉटिक मतलब एक्जॉटिक क्वालिटी वाला जेब्रा, जेब्रा का भी म्यूटेशन है बहुत सारा, मैं वो वीडियो में देखा हूं। जेब्रा फिंच अफ्रीकन ग्रे देखा, देखा अपनी अफ्रीकन दिखा रहा हूं, एक मिनट रुको, अफ्रीकन ग्रे दिखा रहा हूं, फिंच में अफ्रीकन ग्रे, फिंच अफ्रीकन ग्रे, लेकिन इससे बड़ा उसका ये है पिंटेल वाइडा, एक ग्रुप है। तो आपका एक बोल रहा था ना ऑल ओवर इंडिया पे नहीं है, ये भी बहुत ही कम है इंडिया में, ये भी बहुत रेयर है। कौन सा वाला? ये है वो रेड वाला चोंच में है, ये है ब्लू गोल्डियन, ब्लू गोल्डियन, हाँ ये हेड रेयर म्यूटेशन है। अच्छा, ये मतलब ऑल ओवर इंडिया पे एक टीयर है इनका पास है, और आउट बांग्लादेश में नहीं है, मतलब इंडिया पे एक टीयर है तो इनका पास है, ऐसे बाट है। आप मुझे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना? आमिर भाई कहाँ के? आमिर भाई यहाँ पे है, देखिए बाट्स का खजाना पे हाथ दिखा रहा हूँ, बाट्स का खजाना पे यार क्या बोलूँ, सिंस का इतना सारा कलेक्शन है, मैं देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये सेकेंड पार्ट में भी दादा भी है, दादा और भी एक, आपका नाम, आपका एड्रेस थोड़ा बोल दीजिए। मेरा नाम है शोभिक भंडारी, एड्रेस है ठाकुर पुकुर बेहला, एकदम ठाकुर पुकुर दासपाड़ा, कोलकाता में है ये, कोलकाता 63 है। मेरा फ़ोन नंबर बता रहा हूँ 8240327831, और ज़्यादा टाइम में बहुत उल्टा पलटा टाइम में बहुत लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने का टाइम इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोन ठीक है, रात में 11 बज गया उसके बाद भी फ़ोन कर रहा है। अच्छा अभी भाई पर्सनल तो थोड़ा टाइम है मेरा, मत करो यार मत करो, टाइम बोल दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे पहले पिन कर दो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, उसके बाद आप खुद ही कॉल कर लेना। एकदम एकदम यार, देखिए और यहाँ पे फिंस का खजाना बोल सकता हूँ, एक बार घुमाने के मतलब सारा बाट को घुमा के दिख दीजिए, इतना सारा बाट्स है। और देखिए सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों के पास हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, हेलो गाइस वेलकम माय चैनल तरकी नमीर, गाइस गाइस आज मैं फिर आ गया, मतलब सेकेंड पार्ट हो रहा है और ठाकुर पुकुर में। और देखिए और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए दादा का भी एक यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम और बोल दीजिए थोड़ा। चैनल का नाम है SB Bards Aviary, और चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और नाम भी स्क्रीन का ऊपर शो हो रहा है, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए, इतना अच्छा। मैं फिंच का इम्पोर्टेंट मतलब फिंच का जो ब्रीडिंग वगैरह होता है, कैसे ब्रीडिंग, फूडिंग, सब सब का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिंच का, एग्जॉटिक फिंच का वही डालता हूँ। मतलब किस तरह के एग्जॉटिक फिंच, मतलब किस तरह के निकल पाएंगे घर पे, आपको होम ब्रीड कैसे कर पाएंगे आपके घर पे, सारा वीडियो डालता रहता है, जरूर जाइए, जरूर मैं आप लोगों के पास में इनके लिए हाथ जोड़ूंगा, आप जरूर जाओ विजिट कीजिए, किसे देखिए ठंडा हो जाएगा दिल, इतना अच्छा से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से वो तो उस साइड में देखिए पहले, हाँ यहाँ से, यहाँ पर भी कुछ फिंच है, मैं इधर से कवर हो गया। हाँ अभी होगा सेकंड पार्ट ओनली फॉर जेब्रा फिंच, उसको साथ साथ एग्जॉटिक में प्रीमियम क्वालिटी में जो जेब्रा फिंच में, ये बोलो नॉर्मल जेब्रा मेरे पास तो है नहीं, नॉर्मल जेब्रा नहीं है, एग्जॉटिक मतलब एग्जॉटिक क्वालिटी वाला जेब्रा, जेब्रा का भी म्यूटेशन है बहुत सारा, मैं वो वीडियो में दिखाऊंगा, एकदम बात बात शुरू करके लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पता चलेगा शायद वीडियो का अंदर रहेगा जेब्रा फिंच का साइज इतना बड़ा, कसम से मैं बोल रहा हूँ, जेब्रा फिंच से इतना छोटा छोटा होता है लेकिन उनका साइज इतना बड़ा, ये इंग्लिश जेब्रा बोलता है इतना बड़ा। तो फास्ट शुरू करो यहाँ से, यहाँ पर है व्हाइट क्रेस्टेड बेंगोली, जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है क्रेस्टेड है, उसका हेड में देखिए भाई, ओ अच्छा अम्ब्रेला क्रेस्टेड एकदम जैसे होता है ना, हाँ, बजरी का तरफ, ये है बेंगोली है, ये नॉर्मल अच्छा, बेंगोली व्हाइट में व्हाइट क्रेस्टेड बेंगोली है, और ये है नॉर्मल स्टार फिंच है। अच्छा अच्छा, कॉर्डन ब्लू का एक फीमेल है, गोल्डियन का एक फीमेल है, ऑर्डिनरी गोल्डियन का, एकदम एकदम उसको साथ साथ इस साइड देखिए, और भी खाजना तो यहाँ है, ये वाला शुरू करो पहले। ये है ब्लू फेस पाइट के साथ ब्लू फेस लुटिनो का एक पेयर है, अच्छा। ये बहुत छटपट करता है, एक धार से वीडियो करिए भाई मतलब देखिए वीडियो 20 में करेंगे तो यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, देख नहीं पाएंगे। क्वालिटी देखिए सबसे पहले, और नीचे 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 नीचे, नीचे क्या नाम है इनका? ये है रेड फेस पैरट फिंच, मेरे पास बहुत सारा पेयर है, और भी नीचे में है, यहाँ पर भी रेड फेस पैरट फिंच है, ये रेड फेस पैरट फिंच मतलब ये पाइट है, इसका कलर देखिए थोड़ा अलग है, येलो येलो है कलर, इसका कलर जो है येलो येलो में है, देखिए ये है पाइड, और इसके साथ जो पेयर है ये सी ग्रीन के साथ पेयर है। अच्छा, वीडियोस आमिर भाई बहुत शायद बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना होगा, अरे शुरू का क्लास तक देखना होगा, हाँ हाँ, क्योंकि ये सब म्यूटेशन मेरे समझ में भी नहीं है, मेरे पास कितने सारे म्यूटेशन है, मैं गिन के भी नहीं खत्म कर सकता हूँ मेरे पास कितने सारे म्यूटेशन है, कितना ये वाला बोल दीजिए थोड़ा। ये है सिल्वर डायमंड स्पैरो, ये साइज देखिए यार, ये फिंस का इतना बड़ा साइज होता है, नहीं नहीं ये फूडी, इसका ये साइज वेरी करता है फूडी,
खाने का एकदम खाने का क्वालिटी ठीक है, आपको क्वालिटी मेंटेन जब आप करेंगे ना, आपको बाट्स का आसानी से एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा ये साइज। अरे ये वाला लुटिनो, ये है लुटिनो पैरोट फिश, ब्लू फिश का लुटिनो है ये। हाँ हाँ हाँ, मीट में भी है, ये भी है रेड फिश पैरोट फिश का एक पेयर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। हाँ ये पॉइंट है, आपको पता चल ही गया है, आमिर भाई भी सीख गया। ये वाला ये है सिल्वर डायमंड पैरो, ऊपर जो है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इस साइड देखिए, इस साइड कुछ स्पेशल है, ये है रेड बिशप, ये खुद उसका जो नेस्ट है ये खुद ही बनाता है, मतलब बाबू ही पाकी जो होता है हमारे हमारा इंडिया में। हाँ तो पूरा बाबू ही पाकी की तरह ही ये नेस्ट पूरा बनाता है, पूरा खुद ही बनाता है ये नेस्ट। थोड़ा देखा ये भाई, ये देख लीजिए, खुद अपने बनाया, ये खुद अपने बनाया, मैं थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल दे दिया, ये कुछ अपने आप बना रहा है। हाँ हाँ, ये वाला तो ये यहाँ पर है नॉर्मल बेंगोली और उसके साथ पर्शियन फिंच है। पर्शियन फिंच, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लॉन्ग टेल की तरह है कुछ, बट लॉन्ग टेल नहीं है। और ये वाला ये है एमार्टिना है, यहाँ पर क्या नाम एमार्टिना, रेड हेडेड एमार्टिना। अच्छा अच्छा, और इसके इसके पास भी है, बहुत छटपट कर रहा है और डाइवर्स की ट्विंस पड़े रहे वो। ये वाला देखिए, वो वाला ब्लैक वाला, ब्लैक नहीं है, हाँ ब्लैक, एस एस टाइप का कलर है कुछ, एस एस टाइप का। यहाँ पर ब्लू गोल्डियन का चिक्स है। अच्छा अच्छा, ये है ब्लू गोल्डियन का चिक्स, अभी कलर नहीं हुआ। हाँ एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आपने जेब्रा फिश अफ्रीकन ग्रे देखा, देखा अपनी अफ्रीकन ग्रे दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको, अफ्रीकन ग्रे दिखा रहा हूँ, अफ्रीकन ग्रे फिंच का अफ्रीकन ग्रे। और यहाँ पे बोल दीजिए थोड़ा, यह है एकदम छोटा सा जो है वो है गोल ब्रेस्टेड वॉक्स बिल बोलता है एकदम। और इसके पास है जो नीच में है चेरी फिंच है, ब्लैक चेरी फिंच एकदम एकदम एकदम। और आप जो बोल रहे थे अफ्रीकन ग्रे, वो है लेवेंडर वॉक्स बिल उसको बोलता है। अच्छा, एकदम ग्रे कलर में है वो। यह पर है, ऊपर में भी है, ऊपर में अफ्रीकन ग्रे पैरोट नहीं है, अफ्रीकन ग्रे फिंच। अरे यार मतलब ये, अरे इतना छोटा साइज, मैं पहले फर्स्ट टाइम आया था, ये जो नेट का जो साइज है, मैं बोला यहाँ से बाहर भाग जाता है, बोले नहीं नहीं भागता नहीं है, लेकिन जो अंडा ले करता है, मतलब इतना छोटा, एक छर्सी का दाना तरह इतना छोटा, इतना बारीक सा दाना, मतलब अंडा ले करता है। और इसका नीचे देखिए, एक बार कितना बड़ा, लेकिन उसका पूछ कितना बड़ा, इतना बड़ा पूछ है देखिए, लेकिन इससे बड़ा उस साइड। ये है पिंटेल वाइडा, वाइडा एक ग्रुप है। हाँ हाँ। उस ग्रुप में मेरा पास थ्री वेराइटी है, मेरे पास है थ्री वेराइटी। अच्छा। और भी बहुत वेराइटी होता है, मेरे पास थ्री वेराइटी है। यह है पिंटेल वाइडा। और ये देखिए नॉर्मल जेब्रा फिंच, नहीं नॉर्मल जेब्रा नहीं, वो है नॉर्मल जेब्रा फिंच है, लेकिन साइज देखिए, ये फुल बॉडी ऑरेंज जो आपको दिखाया था इसका बच्चे है ये, और भी कलर आएगा, ये अभी दो या तीन महीना इसका एज है। और वो देखिए जेब्रा फिंच है, लेकिन इतना बड़ा साइज। हाँ वो है जम्बो, जम्बो साइज में, मतलब जावा का तरफ साइज एकदम पूरा बढ़िया साइज में। यहाँ पर है पैरोट फिंच का चिक्स, वो जो पैरोट फिंच आपको दिखाया था इसका चिक्स है ये सब। और नीचे ये वाला, ये वाला है काट थ्रोट, फोन काट थ्रोट, ये फोन काट थ्रोट, नॉर्मल काट थ्रोट नहीं है, ये फोन काट थ्रोट है। देखो यार फोन कलर बहुत ही हल्का है। और ये वाला जो छोटे चिड़िया पालता है उसको मालूम है एकदम एकदम एकदम। यहाँ पर बहुत सारा है, यहाँ पर है ऑरेंज चिक वॉक्स भी है आपका, वो फिंच वाला अफ्रीकन ग्रे वो भी है, और इसके साथ ये यहाँ पर भी एक अलग अलग टाइप का फिंच है, वो है रेड बेलिट कुएला, जो आपका एक बोल रहा था ना ऑल ओवर इंडिया पे नहीं है ये भी बहुत ही कम है इंडिया में, ये भी बहुत रेयर है। कौन सा वाला? ये है वो रेड वाला चोंच में है। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला, ये दान में उड़ रहा है वो अभी। देखिए फिंच का देखना मुश्किल है, बहुत ही देखना है, ये बहुत ही छटपट करता है बहुत। ये वाइडा नाम बोल दीजिए थोड़ा। हाँ ये भी वाइडा है। हाँ। यहाँ पर है पैराडाइज वाइडा, वो जो जो काटारी की तरह ले इसका पूछ है। हाँ। वो है पैराडाइज वाइडा, और ब्लैक है पूरा ब्लैक वाला जो है। हाँ। वो है जैक्सन वाइडा एकदम एकदम एकदम। ये देखिए ये आपको क्या लग रहा है, देखिए देखिए एक बार दिख रहा है, मैं कोशिश करूंगा। देखिए ये आपको शायद मोल आपको लगा वीडियो का काला आ रहा है, ये कम्बसो है, कम्बसो एक्चुअली ब्लू ब्लैक है, बट पूरा ब्लैक है, बट फिंच का क्रो है ये एकदम फिंच का, मतलब क्या बोलूं यार, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा यार, इतना कालो कालो सी है। यहाँ पर आपको अनोखा फिंच मैं दिखा रहा हूँ, ये आप कभी भी नहीं दिखा होगा शायद, ठीक है। ये है ऑलिव बैक फिंच, अभी इंडिया या बांग्लादेश कभी भी मतलब किसी के पास नहीं है, किसी के पास अभी नहीं है, ये बांग्लादेश में भी नहीं है, ये एकदम अनोखा है, एकदम रेयर म्यूटेशन है, बहुत ही रेयर है ये बर्ड, ये अफ्रीकन है, इसको बोलता है ऑलिव बैक फिंच। ऑलिव बैक फिंच ऊपर तो
ऊपर है नॉर्मल डायमंड्स पैरो, ब्लैक डायमंड्स पैरो, उसके साथ है एक पाइटू लिया बोलता है, रेड पाइटू लिया। और कुछ बेंगोलीज है, ये नॉर्मल बेंगोली नहीं है, ये पाल बेंगोली है। मतलब इसका ये ब्रेस्ट में जो डिजाइन आपको दिख रहा है अलग है, हाँ कुछ अलग है, ये है पाल बेंगोली बोलता है। यहाँ पर देखिए आमिर भाई, ये भी एक बहुत रियलिस्ट फिंच है, ये है क्यूबन फिंच। क्यूबन, हाँ मेरे पास तीन पेयर है क्यूबन। ये बहुत ही अच्छा फिंच है, मतलब अच्छा मतलब ये सेल्फ ब्रीडिंग करता है इसका, उसको बच्चे को उनको सेल्फ, हाँ उसके पास उसका बच्चा है, वो फीमेल जोड़ी में है, अंडा अंडा में है, वो निकलेगा, निकल गया यार, बोल रहा है वीडियो कर रहा, मुझे भी देखना है थोड़ा वो भी देखो निकल गया, चलो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी क्यूबन है सेम पियर एकदम। यहाँ पर है रेड ब्राउड, ये भी एक रेयरेस्ट म्यूटेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी बहुत ही कम है अभी इंडिया में तो है ही नहीं ये। अच्छा अच्छा, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में शायद होगा, शायद होगा, मेरे पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये वो फास्ट से इससे पहले तो दिखाया बांग्लादेश में नहीं है, वो बांग्लादेश में नहीं है। और वो सेम ऊपर वाला जो है एकदम एक क्यूबन फिंच है ये। हाँ। ये भी बहुत ही रेयरेस्ट फिंच है आमिर भाई। यार इतना बड़ा वीडियो होगा तो क्या होगा, मैं अभी कितना मिनट हुआ भाई, दस मिनट हो गया, लेकिन एक साइड कवर नहीं कर रहा अभी तो खजाना बाकी है। और देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ, ये वाला ये भी पैरट फिंच है, सिग्रीन और रेड फिश का पेयर, इसे अलग टाइप का थोड़ा, हाँ अलग, ये है रेड फिश, ये रेड फिश नहीं है, ये है बोलता है सी ग्रीन पैरट फिंच, एकदम एकदम इसके साथ रेड फिश है पेयर। और ये नीचे ये भी रेड फिश का पेयर है। यहाँ पर है ट्राई कलर पैरट फिंच का फीमेल है ये सब। अच्छा अच्छा, सब फीमेल है, सब फीमेल है, नीच में मेल है, सब मेल है, हाँ ये सब मेल है, ये मदर पेयर है मेरा। अच्छा अच्छा, ये अभी ब्रीडिंग सीजन नहीं आया इसलिए इसको नहीं बिठाया। यहाँ पर भी ट्राई कलर, व्हाइट क्रेस्टेड, व्हाइट लॉन्ग टेल है, नॉर्मल लॉन्ग टेल है। यहाँ पर रेड ब्राउड फिंच है दो, और आउल फिंच का एक मेल है। नीच में भी काट छोट है, और नीच में मेरा ये मेरा हॉस्पिटल केज है। हाँ हाँ, बीमार हो जाता है कोई, चोट वोट हो जाता है, यहाँ पर मैं फाइट कर देता हूँ एकदम एकदम। और यहाँ पे तो आउल फिंच का एक पेयर है, आउल फिंच, इसका एक आंखें नहीं है, ये देखिए आमिर भाई, ये बहुत अच्छा ब्रीड भी करता है, बट इसका एक जन्म से ही एक आंखें नहीं है, जन्म से एकदम जन्म से, यार मतलब इनके लिए बहुत दिक्कत होता है। हाँ वो तो होता ही है, बट ये संभल गया क्योंकि ये जन्म से है ना प्रॉब्लम, इसलिए संभल गया। और देखिए आप इस साइड से शुरू करते हो, यहाँ पर है मार्क्स पिंच, मार्क्स पिंच, हाँ चलो यार बोल दिया नाम, उसको नीचे बोल, सब सब मार्क्स पिंच का पेयर है ये, सब पूरा पूरा चार पेयर। मेरे पास एक पेयर कोई बर्ड, एक पेयर में नहीं पालता हूँ, चार पेयर, पांच पेयर, तीन पेयर, ऐसा ही पालता हूँ। जेब्रा फिश कितना पेयर होगा टोटल? जेब्रा तो नहीं है मेरा पास, टोटल फिश ग्रुप का बात, मेरे पता नहीं भाई, मुझे भी पता नहीं कितने पेयर, 1000 पेयर के ऊपर होगा शायद, हो भी सकता है, मैं कभी भी नहीं गिना। अच्छा इतना सारा कलेक्शन है। और यहाँ पर जो आप दिख रहे हो, यहाँ पर ये सब नॉर्मल बेंगोलीज है, ये फॉस्टरिंग के लिए है मेरा, ठीक है, और इन सबको मैं फीडर में फीड देता हूँ। अच्छा, क्योंकि इतना ज़्यादा सेटअप, इतना बढ़िया सेटअप में, मतलब मैं खुद अकेला ही काम करता हूँ और मेरा पापा काम करता है, तो दो आदमी इतना सारा मेंटेन करना मुश्किल है, आसान नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है। तो इसलिए नॉर्मल बेंगोली को मैं फीडर में खिलाता हूँ, और जो एक्जॉटिक है उसको फीडर नहीं दिया, वो नॉर्मल पार्टी में ही दिया। एकदम एकदम, चलो उस साइड का खजाना पे चलता हूँ एकदम एकदम। और इधर एक फिंच है नॉर्मल, आप जेबरा जेबरा कर रहे थे, इधर इधर का एक म्यूटेशन देखिए। जेबरा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जेबरा पाल के मुझे याद है जेबरा, लेकिन देखिए ये जेबरा का म्यूटेशन है एकदम। हाँ। पूरा ब्लैक ब्लैक, लेकिन साइज भी बड़ा है भाई, साइज नहीं है नॉर्मल की तरह नहीं है। और ये तो ऊपर उस साइड में जो दिखाया था, हाँ, ये इसका बेबी भी है इसके। हाँ। पास ये दो मदर पेयर के साथ ये बेबी है, मतलब चार बेबी हुआ। हाँ चार बेबी, चार बेबी हुआ, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन भी है। और देखिए मतलब नॉर्मल तो यहाँ पर सब बेंगोलीज है। और यहाँ पर भी एक फिंच का म्यूटेशन है, आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये है फुल बॉडी और ये मेल जोड़ी में है। अच्छा चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ। हाँ हाँ, कलर देखिए आमिर भाई, ओह ये जेब्रा का म्यूटेशन है। आप फिंच नॉर्मल फिंच जेब्रा फिंच कर रहे थे, ये है जेब्रा फिंच का म्यूटेशन, ये है फुल बॉडी ऑरेंज। और नीचे तो यहाँ पर सब सब बेंगोली, यहाँ पर सब फॉस्टरिंग पेयर है। उस साइड जाना चाहूँगा, इसलिए उस साइड तो कवर हम लोगों को करना चाहिए, वहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं है, ओनली फॉर एक्जॉटिक में। हाँ यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी,
प्रीमियम क्वालिटी में प्रीमियम क्वालिटी बोल सकते हो यार, क्या खजाना रह गया तो बोलना पड़ेगा प्रीमियम क्वालिटी। मतलब देखिए नाम तो मुझे याद नहीं, याद तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर मुझे डायरेक्ट में बोल सकते हो प्रीमियम क्वालिटी। इतना नाम क्या याद रहेंगे, बोलिए। शुरू करता हूँ, ये वाला बोल दीजिए पहले, वो पहले ये, हाँ बोलिए बोलिए। ये है ब्लू गोल्डियन, ब्लू गोल्डियन, हाँ ये हेड रियर म्यूटेशन है। अच्छा, ये ब्लू गोल्डियन का जो मेल का हेड दिख रहा है ना, ये बहुत ही रियर म्यूटेशन है। ओह, वो हेड और नीचे तो वो वाला काटथ्रोट है, काटथ्रोट ये अलग सा है। इसका ये चुआल जो होता है मेल का, ये ऑरेंज में, एकदम एकदम देखिए देखिए, ये वाला जो नेक के ऊपर है मेल, ऑरेंज में, ऑरेंज है, ऑरेंज का नीचे, हाँ चोट का नीचे, गोल्डन फिश, ब्लू गोल्डियन, सब ब्लू गोल्डियन सब। यहाँ पर है कॉर्डन ब्लू, कॉर्डन ब्लू मतलब ओहो कलर देखिए। फीमेल का अभी थोड़ा ठंड लग गया है, होता है फिंच का, हाँ होता है, होता है, होता है, होता है। और यहाँ पर भी है, ये देखिए येल्लो गोल्डियन कलर देखिए, आमिर भाई कैसे लग रहा है बोलिए। बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा येल्लो कलर देखिए, येल्लो गोल्डियन का क्वालिटी देखिए। उस साइड में क्या है, उस साइड में है ब्लू स्टार, ये है नॉर्मल स्टार नहीं है, हाँ, ये है ब्लू स्टार बोलता है, बट ब्लू कलर नहीं है, बोलता है ब्लू स्टार इसको। ये नॉर्मल स्टार फिंच का एक म्यूटेशन है। ये वाला, ये वाला रेड ब्लिट फायर फिंच, और बहुत सारा है, मैं बहुत सारा है मेरे पास। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ से शुरू करके ये है येलो बॉडी स्टार, ये देखिए आमिर भाई, येलो येलो बॉडी स्टार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है एल्बिनो काटथ्रोट फिंच, एल्बिनो काट, जो लोग फिंच पालता है उसको पता है ये क्या चीज है। जरूर जरूर देखिए, जिनका फिंच का चाहिए जरूर दादा से कांटेक्ट कीजिए। अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा सब फिंच मतलब सेल करने का कुछ भी नहीं, अभी ब्रीडिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया हूँ। अब आप भी देख सकते हो सब जगह पर नेस्ट नहीं है, ठीक है। अभी पूरा ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ महीने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा, देखिए कुछ महीने का शायद मिलेगा, आप वेट कीजिएगा, फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिएगा, दादा का सबसे पहले परिचय रखिएगा, तब मिलेगा। लेकिन इनका पास फिंच जब पोटेशन होता है तब नहीं रहता है, आउट ऑफ कलकत्ता से लोग आके यहाँ से फिंच लेकर चला जाता है, इसलिए इतना क्वालिटीफुल बर्ड्स है ना, तो क्या रहेगा। मतलब वेस्ट पूरा इंडिया पे जो बर्ड्स नहीं है, इनका पास एक टीयर, मतलब ऑल ओवर इंडिया पे एक टीयर है इनका पास है, और आउट बांग्लादेश में नहीं है। मतलब इंडिया पे एक टीयर है तो इनका पास है, ऐसे बर्ड्स है। तो गाइस वीडियो कैसे लगा, और क्या, और क्या बोलना चाहिए, और क्या बोलना है। यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, ये है पैरोट फिंच का बच्चे है, आपको जो दिख रहा था पैरोट फिंच, यहाँ पर है बच्चे, देखना चाहूँगा कैसे फीड दिया, देखिए भाई। अरे 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 अरे, ओहो यह पैरोट फिंच का बच्चा है। यहाँ पर भी है, ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, एकदम आपको थोड़ा आपको दिखाने से ही दिखाया। देखिए एक्चुअली दादा का फार्म विजिटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना प्यार करता है मुझे, मैं फार्म पे वीडियो करने गया था, वो वीडियो शायद आप लोग देखा है, और देखिए उनसे बाद मुझे इन्वाइट किया है, थैंक यू सो मच, इतना खजाना नहीं, नहीं 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 वो बातें नहीं है। और देखिए गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे पता है, ये भी एक पेयर है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाला दिखा दीजिए थोड़ा, ये है नॉर्मल डायमंड स्पैरो, ब्लैक नॉर्मल डायमंड स्पैरो, हाँ। और ये वाला, ये वाला है पर्शियन फिंच एल्बिनो म्यूटेशन है, ये पर्शियन फिंच, हाँ रेड है, रेड है, रेड है। यहाँ पर सब अंडे है, यहाँ पर सब एक्सोटिक फिंच का अंडे है, एकदम एकदम एकदम। यहाँ पर कोई लॉन्ग टेल का बच्चे निकल गया है, लॉन्ग टेल फिंच का बच्चे है। यहाँ पे तो, यहाँ पे अभी नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए ब्लू गोल्डियन का चिक्स है, आपको दिखा रहा हूँ ब्लू गोल्डियन का चिक्स। अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा ब्रीडिंग स्टार्ट किया ना, ओहो कैसे फीड दे आ रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त। देखिए एज ए फीड ऐसे दिया लगता है वो फट जाएगा, लेकिन नहीं, फिंच कैसे फीडिंग देता है, फिंच ऐसा ही फीडिंग देता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगा जरूर कमेंट करना, और नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे फार्म देखना भी चाहता है उसके ऊपर भी कमेंट करना। और एक बार बोल रहा हूँ, दादा का चैनल जरूर सपोर्ट कीजिए, इनका सपोर्ट को बहुत जरूरी है, बात के ऊपर इन्फॉर्मेशन डालता रहता है, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक रहेगा, तो आप जाके जरूर चेक कीजिए। उसके साथ साथ ये नाम थोड़ा सर्च कीजिए गूगल में, यूट्यूब में सर्च, यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में सर्च, गूगल में भी करने से आ जाएगा, हाँ यूट्यूब में सर्च कीजिए, जरूर आपको इनका चैनल मिल जाएगा। उसको साथ साथ मैं स्क्रीन के ऊपर शो भी कर रहा हूँ, दादा का नंबर भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए गाइस वीडियो कैसी लगा जरूर कमेंट करना, नेक्स्ट किसी को वीडियो देखना भी चाहता है
वो भी कमेंट करना। और आमिर भाई को चैनल आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आमिर भाई बहुत ही लबबट का जबरदस्त वीडियो बनाता है। मैं भी देखता हूँ आमिर भाई का वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करता है, पार वीडियो में बहुत मेहनत करता है भाई, मोटिवेट करके वीडियो, बहुत मेहनत है वीडियो करने के लिए, बनाना एडिट करना बहुत दिक्कत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अच्छा लगेगा, और भी अच्छा से इन्फॉर्मेशन वीडियो देना भी होगा। तो गाइस और ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट करना, नेक्स्ट एक्चुअल वीडियो देखना चाहता है और भी एक बार बोल रहा हूँ वो भी बोल देना कमेंट में। और आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलेगी किसी नया वीडियो नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।